ऐसा बहुत कम होता है जब किसी एक देश के राष्ट्रपति दूसरे देश जाकर वहां के प्रधानमंत्री के साथ रोड शो करते हैं। भारत में पहली बार मिडिल ईस्ट के एक मुस्लिम देश के नेता और प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर अहमदाबाद में एक रोड शो करेंगे। ये कार्यक्रम वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के ठीक पहले होगा, यानी दुनिया न केवल आर्थिक शक्तियों का समीकरण बल्कि वैश्विक कूटनीति की नई तस्वीर भी देखेगी। ये सारा कुछ तब होगा जबकि इसी साल देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और पड़ोसी इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में भी इस समय मौसम चुनावी है। पहली बार भारत में नरेंद्र और नाहयान का रोड शो। नौ जनवरी को अहमदाबाद में दो बड़े नेता सड़क पर दिखाई देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। यूएई के राष्ट्रपति के साथ मोदी के अच्छे और करीबी संबंध हैं। यूएई के राष्ट्रपति वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। वो 9 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद पहुंचेंगे। पीएम मोदी खुद ही प्रोटोकॉल तोड़कर यूएई के राष्ट्रपति को एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे। मोदी यूएई के राष्ट्रपति के साथ मिलकर अहमदाबाद एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक रोड शो करेंगे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ये रोड शो साबरमती आश्रम पर ही खत्म हो जाएगा। मोदी नाहयान इसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम जाएंगे। इस रोड शो के लिए अहमदाबाद में तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। कूटनीतिक तौर पर कहा जाए तो मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत के संबंध सबसे बेहतर चल रहे हैं और उसका सबूत है मोदी नाहयान के रोड शो की खबर। प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद से ये रिश्तों में और बढ़ोतरी नजर आती है। उन्होंने पर्सनल रिलेशनशिप उनके साथ है। अब देखिए वो यहाँ पे आएंगे, रोड शो होगा, वहाँ के अहमदाबाद उनको लेके जा रहे हैं। ये लोग बहुत कम जाते हैं, इस तरह से ट्रैवल बहुत कम करते हैं, जरूरी होता है जनरली, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। यूएई के प्रेसिडेंट से पहले भी कई विदेशी नेता पीएम मोदी के साथ रोड शो कर चुके हैं। फरवरी 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहमदाबाद में रोड शो किया था और 2017 में जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो आबे ने पीएम मोदी के साथ 9 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। हालांकि नाहयान के साथ रोड शो खास होगा क्योंकि पहली बार किसी मुस्लिम देश के राष्ट्र प्रमुख और पीएम मोदी एक साथ रोड शो करेंगे। भारत यूएई के बीच सदियों पुराने पारंपरिक संबंध हैं जो 2014 के बाद से नई ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। दिल्ली में हुए G20 के दौरान भारत ने यूएई के राष्ट्रपति को बतौर मेहमान निमंत्रण दिया तो COP28 में नाहयान ने मोदी को अपने मंच पर जगह दी। भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। फरवरी 2022 में भारत पहला देश बन गया जिसके साथ यूएई ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया और यूएई 2022-23 में भारत में निवेश करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया। पीएम मोदी ने कई बार खुलकर यूएई और भारत के रिश्तों की बात की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग है जो आपसी भरोसे को दिखाता है। भारत और मिडल ईस्ट अब अपनी मुद्रा में एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, इसलिए मोदी नाहयान को भारत का सच्चा दोस्त कहते हैं। हमारा आर्थिक सहयोग भी निरंतर पिछले वर्ष फरवरी में हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। हमने इस ऐतिहासिक समझौते को मात्र 3 महीने में रिकॉर्ड समय पर सहमत, ये आपके क्लैरिटी और कमिटमेंट के लिए संभव है। अब यूएई के राष्ट्रपति उन राष्ट्राध्यक्षों में शामिल हैं जो वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 में हिस्सा ले रहे हैं। ये समिट गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी तक यानी 3 दिन तक चलेगा। इस समिट से गुजरात में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस समिट की शुरुआत पीएम मोदी ने ही 2003 में की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
जानकार मानते हैं कि ऐसे समिट में मिडल ईस्ट के यूएई जैसे देशों के शामिल होने से भारत को फायदा मिलेगा और देश की आर्थिक ताकत और तेजी के साथ बढ़ेगी। जो ट्रेड होगा दोनों देशों के बीच में वो रुपए और रियाल जो वहां की करेंसी उसके बीच में होगा, और पहला पेमेंट भी अब हुआ है, अभी किया गया है कल। हमारा इतना बड़ा ट्रेड है उनसे $100 बिलियन से ज्यादा का, तो आप समझ लीजिए जो डॉलर का बीच में इन्वॉल्वमेंट होता था वो अब नहीं होगा। जनवरी में गुजरात में रोड शो होगा, नायान अहमदाबाद आएंगे तो फरवरी में पीएम मोदी यूएई जाएंगे और 14 फरवरी को अबू धाबी में स्वामी नारायण संस्था के हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी का भारतीय मूल के लोगों से मिलने का कार्यक्रम भी है। 13 फरवरी को अबू धाबी में एहलान मोदी के नाम से एक विशाल कार्यक्रम होगा। एहलान शब्द का मतलब होता है स्वागत, और इसमें भारतीय मूल के 50,000 लोग शामिल हो सकते हैं। ये पीएम मोदी का भारतीय मूल के लोगों के साथ किए गए सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक होगा। भारत और यूएई के करीबी संबंधों को समझने के लिए आप जुलाई 2023 की ये तस्वीरें देख सकते हैं। तब पीएम मोदी ने यूएई का दौरा किया था और उनका भव्य स्वागत हुआ था। दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए, और ऐसी ही तस्वीरें 9 जनवरी को भी आ सकती हैं जब अहमदाबाद में नरेंद्र और नाहयान मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।